टू के ट्रैवल व्लॉग। आज हम लोग आ गए हैं नोएडा सेक्टर 76, वो भी वुड फायर पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो बात ये है कि हमारा इस बार प्लान कुछ सडन बन गया था कि हाँ, कि कुछ शॉपिंग से अलग हटके करते हैं। तो हमें हाँ, काफ़ी हमने अभी एक्चुअली रील्स वगैरह देखी थी, हमने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं। नोएडा में 76 में है, तो हाईटेक के सामने। तो हम दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को पहले हमने रील शेयर करी, तो मैंने कहा हाँ यार, हम लोगों के पास ये आइडिया था इसको कवर करने का और यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई करने का। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। और क्या बोलना चाहोगे? और मैं ये बोलना चाहूँगी, ये बिल्कुल हैंडमेड पिज़्ज़ा है और मतलब सारा ये अलग तरीके से बनाया जाता है, सब बनाते हैं। हाँ, और ये मतलब तंदूर टाइप का पिज़्ज़ा है, तंदूर क्या बोलते हैं उसको, इटालियन, मतलब इटालियन इटालियन नहीं है, अपने इटालियन रेस्टोरेंट में जो, अच्छा चूल्हा नहीं है, भैन ये तंदूर टाइप का ही है, तंदूर टाइप ही है मतलब। तो चलो अब खा के दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे बनता है पिज़्ज़ा और कैसा इसका टेस्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वुड फायर पिज़्ज़ा है क्या, वो भी खुद उनकी जुबानी जिन्होंने इटालियन फ्लेम्स के कार्ट को स्टार्ट किया। दूसरा हमारा जो है वो रोहिणी में है, दूसरा ये हमारा फर्स्ट टाइम है, ये हमने लगाया था 2022 में और 31 दिसंबर को लगाया था हमने, 21 में फिर हमारा ये चालू हो गया है 2023 में। जी हम रोज लगाते हैं। और टाइमिंग क्या रहती है? हमारी टाइमिंग रहती है 6 बजे से लेकर 11 बजे तक। लोकेशन हमारी है नोएडा सेक्टर 76, स्काईटेक मॉडरेट, गेट नंबर 1 के अपोजिट साइड हमारी कार्ट लगती है। और कैसे मतलब ये इसका स्टाइल बनाया, जैसे जिस तरीके से बन रहा है ना ये वुड फायर का, क्या कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या चीज़ है? ट्रेडिशनल तरीका है पिज़्ज़ा बनाने का, पिज़्ज़ा बनता ही ऐसे है। आपको आपने देखा होगा कि पिज़्ज़ा भी स्टार्ट हुआ था इटली के अंदर, वो ऐसे ही हुआ था स्टार्ट। जनरली लोग पिज़्ज़ा मतलब वुड फायर पिज़्ज़ा अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जैसे लोग चलते फिरते या फिर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कैफ़ों में जाके अपनी गाड़ी खड़ी करके खा लें। तो हमने स्ट्रीट फूड पे इसलिए स्टार्ट किया कि लोगों का टाइम भी बच जाए और लोगों को महंगा पिज़्ज़ा सस्ते में मिल जाए। बाकी हमारी सारी चीज़ें हैंडमेड होती है, सब कुछ हम हाथ का ही बनाते हैं, जैसे कि डो हुआ और सॉसेज हमारी सारी खुद की होती है हमारी सारी। आज क्या खाने आई है? देखो इतना सारा चीज़ खा रही हूँ मैं, देखो। ओह माय गॉड, और ये कौन सा है? इटालियनो पिज़्ज़ा, और ये बन रहा है गरम गरम भट्टी में। चलो चलो उधर चलना फिर। पिज़्ज़ा खाने के लिए हमें बहुत सारा ट्रैफिक क्रॉस करके आना पड़ा है। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे बेस हाथ से बना रहे हैं जैसे ना। अच्छा बेटा कैसा डिफरेंस कह रही हो? मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हाथ से बना रहे थे, तो मुझे लगा था बेस पता नहीं कैसा होगा ना, बट अच्छा बेस है और थिन भी है, अच्छा लगा। इतनी दूर से पिज़्ज़ा खाने आए हो? पिज़्ज़ा खाने आए हैं गर्मी में, इसी गर्मी में बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा है ये। दुकान ढूंढने में इतना टाइम लग गया? नहीं ऐसा मत बोलो यार, इतना अच्छा सा तो है, मैं तो बहुत टाइम से पहुंच गई। 2 पॉइंट माइनस कर दूंगा। गलत बात है, ऐसे ऐसे नहीं करते। है क्या, मुझे भूख भी लग रही है। हाँ बहुत सारे पिज़्ज़ा है। हाँ मैंने तो टेस्ट भी कर लिया, खा भी लिया, अभी प्रिया वेट कर रही है, फिर हम लोग जाके आपको जो सा खाना हो वो ऑर्डर करना, फिर हम खाएंगे। ठीक है एकदम चलते हैं। क्यों खाना नहीं है आपको पिज़्ज़ा? आप इतने दूर से पिज़्ज़ा खाने का हो? मैं पिज़्ज़ा खाने नहीं आया, मैं आपको पिक करना है बस। जो सच है वो सच है जी। नहीं ये तुम्हारा ही है।
पिज्जा पार्टी हो रही है। बहुत बहुत मुश्किल, मैंने 2 पॉइंट माइनस कर दिया भाई। तो नहीं ऐसा मत बोलो भाई साहब, कहा है लेकिन कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारे यहाँ एक गेस्ट अपीयरेंस आ गया है, अंकित हमारे साथ आ गया, जिसने हमारे पिज्जा को टेस्ट करके थोड़ा सेलिब्रिटी शेफ वाला हमारा पिज्जा वो दिया। हमारा ही पिज्जा है यार, मिला ही नहीं सबसे पहले मैं बहुत पीटी था, ढूंढा तो हमने। अब हम इसे फेमस करेंगे ना, और थोड़ा सा नहीं अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, वाकई अच्छा है। इसका बेस हमने सामने बनते हुए देखा है, हाँ पकते हुए भी देखा है, बना रहे हो मतलब सॉफ्ट है और मतलब थिन है, ऐसा नहीं कि मोटा मोटा जो टाइप रहता है ना वो वाला टाइप नहीं, हाँ मोटा नहीं, पिज्जा तो अच्छा नहीं है, ड्राई ड्राई नहीं। चलो तुम लोगों ने थम्स अप दे दिया। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।